तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों को अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में। और बच्चों, लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे अपने अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी को। भाग 2 के बारे में हमने क्या पढ़ा बता, हमने अवनमन कोड से संबंधित 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लिए थे। आज की इस क्लास में मैं आपको और 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। और ये इस अध्याय का यूनिट नंबर 4 जो कि आपका था त्रिकोणमिति, इस यूनिट का बोल दो, इस अध्याय का बोल दो और इस वीडियो का बोल दो, ये आज अंतिम होने वाला है। और आज हमारा जो यूनिट है, जो अध्याय है, वो खत्म हो जाएंगे। तो वापस से हम 10 नंबर की तैयारी कर लेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति अध्याय से पूछे जाते हैं। तो त्रिकोणमिति में 2 आपके अध्याय होते हैं, एक तो 9वां अध्याय और एक तो 10वां अध्याय। आज इसका अंतिम होने वाला, बिल्कुल देख लो। तो सर, आज हम पढ़ने वाले अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी, और ये होने वाला है भाग 3। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम सीधा सीधा बढ़ना चाहेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है। आज आप पढ़ते हैं इसको, कुछ भी दम नहीं है। देखो, चित्र वगैरह को बाद में ध्यान देना, पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं। देखो क्या बोला गया है कि एक प्रेक्षक है, मतलब कि जो एक दर्शक है, दिखने वाला है, से एक प्रेक्षक भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखता है। यदि किसी क्षण प्रेक्षक की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण सर 45 अंश है, कितना है 45 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। गुब्बारे द्वारा ए से बी तक तय की दूरी हमें ज्ञात कर। अब देखो, यहां पर पहले मैंने चित्र बना लिया है, जरूरी नहीं है कि आपको चित्र बनाकर दिया जाए, जो आपको यह चित्र बनाना पड़ेगा। देखो यहां पर क्या बोला था कि प्रेक्षक जो है यहां पर खड़ा हुआ, यहां पर खड़ा हुआ, अब यहां पर खड़े होकर वो ऊपर के गुब्बारे को देख रहा है। और ये जो गुब्बारा है वो कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है सर, ये 90 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 90 मीटर, ठीक है। देख लो, ये 90 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये गुब्बारा उड़ रहा है, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी क्लियर है। प्रेक्षक कहां पर है सर, यहां पर है, यहां पर है। अब यहां से खड़े होकर अपने सिर को उठाकर ऐसे वो गुब्बारे को देख रहा है। तो इस गुब्बारे की सर ऊंचाई क्या है, ये है 90 मीटर, बिल्कुल यहां तक की कहानी हमें अच्छे से क्लियर है। फिर क्या बोला था, यदि किसी क्षण प्रेक्षक की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है, तो 45 अंश, देखो पहले सर ये 30 अंश था, पहले क्या था, सॉरी पहले 45 अंश था ना, पहले 45 अंश, सबसे पहले जब प्रेक्षक देखता है तो 45 अंश के कोण पर देखता है, कितना देखता है 45 अंश के कोण पर देखता है, बिल्कुल। कुछ समय बाद जो है उन्नयन कोण घट जाता है और 30 अंश हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों कि उन्नयन कोण कब घटता है। देखो इस बात को समझना, आप यहां पर खड़े हो और वस्तु यहां पर है, तो 45 अंश का कोण बना है। अब वस्तु को जब हमने दूर किया, आप वहीं पर खड़े हो, वस्तु को जब हमने दूर किया तो उन्नयन कोण का मान घट जाता है, उन्नयन कोण का मान घट जाता है। अब इसी कंडीशन को मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूं, देख रहा हूं, गुब्बारा वहीं पर रहेगा, आप अगर आप पास में आ जाओगे, गुब्बारे के पास में आ जाओगे तो उन्नयन कोण का मान बढ़ जाता है। तो वस्तु अगर वहीं पर है, आप आगे की ओर बढ़ोगे तो उन्नयन कोण का मान बढ़ता है, और आप वहीं पर हो, वस्तु अगर दूर चली गई है तो उन्नयन कोण का मान सर घट जाता है। ये मेन डिफरेंस है दोनों में, समझ लेना आपको, ठीक है। फिर देखो, उन्नयन कोण का मान कैसे हो गया, घट गया, जब वस्तु जो है, जो गुब्बारा है, उड़कर इधर पहुंच गया, तो अब उन्नयन कोण का मान सर यह हो चुका 30 अंश हो चुका है। तो हमें यहां पर क्या निकालना है, हमें दोनों, या हमें यहां पर क्या निकाला था कि ए से बी तक तय की गई दूरी निकालना था, मतलब कि पहले गुब्बारा यहां पर था, अब गुब्बारा पहुंच चुका है अपनी स्थिति बी पर, तो ए से बी तक की दूरी हमें निकालना है, बिल्कुल सर निकालेंगे। देखो तो ये चित्र फटाफट आपको बुला लेना है। अब देखो यहां पर ये ए हुआ, ये बी हुआ, चलो इसको मैंने बोल दिया सी, इसको मैंने बोल दिया डी, और इसको मैंने बोल दिया ई, इतने बिंदु की हमें जरूरत पड़ने वाली। देखो वापस से वही कहानी, आपको 2 यहां पर त्रिभुज दिखने वाले हैं। सबसे पहले आपको त्रिभुज दिखेगा ए डी सी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ए सी डी, ए से समकोण त्रिभुज बोलेंगे, तो ए सी डी, तो ए सी डी आपको त्रिभुज दिख रहा है, और यहां पर आपको एक त्रिभुज दिखेगा बी ई डी। तो एक एक करके हम दोनों में बात करने वाले हैं, हमें निकालना क्या इसको हम समझेंगे। पहले देखो, हमें सर यहां पर यह निकालना है कि ए से बी तक की दूरी निकालना है, ए से बी तक की दूरी निकालना है, बिल्कुल ए से बी तक की दूरी बोल दो, या फिर सी से लेकर ई तक की दूरी बोल दो, बिल्कुल यहां तक दोनों बात समान होने वाले, दोनों बात क्या होंगे। तो मैं क्या करूंगा, सी से लेकर डी तक की दूरी का चलो मैं मान लेता हूं 100 मीटर, और ई से लेकर सी, या फिर सी से लेकर ई, दोनों एक ही मतलब है, इसकी दूरी को मैं मान लेता हूं सर वाई मीटर। क्या है, वाई मीटर है, इसको हमने मान लिया, बिल्कुल सर हम इसको मान लिया। देखो
अब इस बात को हम यहां पर लिखना चाहेंगे। देखो तो कैसे लिखेंगे, तो गुब्बारे की ऊंचाई करके सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं गुब्बारे की ऊंचाई। ठीक है, आ जाओ देखो हल में, मैं इस साइड इसको लिख रहा हूं। देखो सबसे पहले यहां पर लिखा मैंने हल, तो हम यहां पर लिख सकते हैं गुब्बारे की ऊंचाई। ठीक है, गुब्बारे की ऊंचाई, क्योंकि गुब्बारा जो है वो कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो गुब्बारे की ऊंचाई, ऊंचाई। अब गुब्बारे की ऊंचाई का नाम कैसे लिखेंगे, देखो ये सी हुआ और ये हुआ, तो एसी, एसी बराबर हम बोल सकते हैं सर ये 90 मीटर, एसी बराबर सर क्या हुआ 90 मीटर हो गया। बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है सर। देखो हमने क्या माना हुआ, सी से लेकर डी और सी से लेकर ई दोनों की दूरी को मान लिया 100 मीटर व वा मीटर। तो मैं यहां पर लिखा हूं, मैं यहां पर लिखूंगा माना, माना देखो क्या मानेंगे, सी डी, सी डी बराबर ये हो चुका 100 मीटर, सी डी बराबर सा ये हो चुका 100 मीटर, तथा सी ई बराबर, तथा सी ई बराबर वाई मीटर हो जाएगा। बिल्कुल अब वापस आओ अपने चित्र पर, समझो हमें निकालना था ए से लेकर बी तक की दूरी, मतलब कि सी से लेकर ई तक की दूरी निकालना, और सी से ई तक की दूरी को हमने माना वाई मीटर, मतलब कि अब हमें वाई का मान निकालना, किसका बच्चों वाई का मान निकालना। बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है सर। तो देखो सबसे पहले यहां पर आपको त्रिभुज दिख रहा है ए सी डी, मैं इसी त्रिभुज पर बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो पता है मुझे सी से लेकर डी तक की दूरी निकालना है, सबसे पहले मैं सी से लेकर डी तक की दूरी निकालूंगा, और ये सी डी क्या है सर, ये आधार है, क्या है आधार है, ये हमारा होगा लंब और ये होगा हमारा सर कर्ण। तो हमारे पास 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, उसका लिखने का सर ट्रिक ये होता है। अब इसमें से हम किसका यूज करेंगे, देखो हमें यहां पर देखो ये सी डी का मान निकालना है, मतलब कि आधार का मान निकालना है और लंब का मान पता है, तो ऐसा अनुपात ढूंढेंगे जिसमें लंब और आधार हो। तो ऐसा अनुपात कौन होता है, तीसरा नंबर का, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इसी का हम यूज करने वाले, कौन से त्रिभुज में, ए सी डी में। देखो आ जाओ तो इस बात को हम यहां पर लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी में टेन थीटा और टेन थीटा, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे सर, पहले पहले कितना अंश का कोण बना रहा है इस वाले त्रिभुज के लिए, देख लीजिए 45 अंश का, तो यहां पर हम रखेंगे टेन 45 अंश बराबर क्या होता है सर, ये लंब बटा आधार, लंब का मान क्या है सर, ये एसी है, गुब्बारे की ऊंचाई है, और लंब एसी गुब्बारे की ऊंचाई क्या है 90, तो डायरेक्टली मैं यहां पर लिखना पसंद करूंगा 90 बटे में। देखो बटे में क्या आ जाएगा, ये सीडी आ जाएगा, और सीडी की दूरी को हमने माना हुआ सर ये 100 मीटर, तो डायरेक्टली मैं यहां पर लिखूंगा 100 मीटर। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। टेन 45 अंश का सर मान तो एक होता है ना, बिल्कुल होता है, तो बराबर ये हो जाएगा 90 बटे में आ जाएगा x, x का गुणा कर दो एक के साथ, तो ये हो जाएगा एक से हो जाएगा बराबर सर, ये आ जाएगा 90 मीटर, क्या आ चुका सर 90 मीटर, मतलब कि C से लेकर D तक की जो दूरी है वो 90 मीटर है। C से लेकर D तक की दूरी क्या है 90 मीटर, ये हमें पता चल चुका। हमें पर निकालना है C से लेकर E तक की दूरी। तो अब मैं क्या करूंगा पता है, मैं बड़े वाले समकोण त्रिभुज के बारे में बात करूंगा। यहां पर कौन से त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, तो बीईडी, बीईडी, तो हम यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज बीईडी में। आ जाओ बिल्कुल देखो समकोण त्रिभुज बीईडी में, बीईडी में बिल्कुल देखो अब कौन सा अनुपात लेंगे, हमें निकालना है सी से लेकर ई तक की दूरी को निकालना है। ठीक है, और एक सेकंड ना, हम बात कर रहे हैं बड़े वाले त्रिभुज में ना, बड़े वाले त्रिभुज में बात कर रहे हैं, तो हमें यहां पर डी से लेकर ई तक की दूरी पता चलने वाली है। कहां से, डी से लेकर ई तक की दूरी पता चलने वाली है, क्योंकि हम बड़े वाले समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों यहां पर तो ये आधार हो जाएगा, आधार, आधार डी से लेकर ई तक की दूरी, तो डी से लेकर ई तक की दूरी क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई, और यहां पर लंब क्या हो जाएगी सर, ये 90 मीटर है, 90 मीटर हो जाएगी। तो हम यहां पर कौन सा अनुपात लेंगे जिसमें लंब और आधार दोनों चीज दिया हो बच्चों, तो दोनों चीज किसमें दिया हुआ है, दोनों चीज आपका दिया हुआ टेन थीटा में, तो टेन थीटा बराबर यहां पर फिर से क्या लगेगा लंब बटा आधार, तो टेन थीटा। अब थीटा की जगह हम रखेंगे इस 30 अंश को, क्योंकि उन्नयन कोण का मान जो है वो कम हो चुका है। कम कब होता है, जब आप वहीं पर खड़े हो और वस्तु आपसे दूर चली गई है, तो उन्नयन कोण का मान कम हो चुका है, तो यहां पर हम रखेंगे थीटा की जगह 30 अंश, तो ये हो जाएगा टेन 30 अंश बराबर लंब, लंब का मान क्या है, तो लंब का मान तो अभी भी वही है 90 मीटर। ठीक है, अब देखो आधार, आधार क्या हो जाएगा, तो आधार यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर पूरी दूरी D से लेकर E तक की दूरी, तो C से लेकर D तक की दूरी X है और C से लेकर E तक की दूरी E है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी में पता चल जाएगी, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा सर X प्लस Y आ जाएगा। बोलो यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देखो आ जाओ अब आगे को मैं इस साइड आपको सॉल्व करके बताता हूं, देखो देखो आ जाओ
ठीक है, पहले मैं अपने बोर्ड को दो भागों में बांट देता हूं, देखो आ जाओ। चलो तो अब क्या करेंगे सर, टेंथ इसंस का मान तो एक बटा वर्गमूल तीन होता है ना, बिल्कुल चुपका वर्गमूल तीन, एक बटा वर्गमूल तीन हो चुका, 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा सर एक से धन वाय। अब हम क्या करेंगे, एक से धन वाय का गुणा करेंगे एक के साथ, तो ये हो जाएगा एक से धन वाय बराबर 90 का गुणा करूंगा मैं वर्गमूल तीन के साथ, तो ये हो जाएगा 90 वर्गमूल तीन। अब देखो बच्चों वापस आओ अपने चित्र पर, हमें निकालना था, हमें क्या निकालना था, ए से लेकर बी तक की दूरी, ए से लेकर बी तक की दूरी बोल दो या फिर सी से लेकर ई तक की दूरी बोल दो, ये दोनों बराबर है। अब सी से लेकर ई तक की दूरी को हमने क्या माना हुआ था, वाय, यानी कि हमें वाय का मान निकालना। अब वाय का मान कैसे निकालेंगे, देखो सर हमें x का मान पता है, तो x का मान मैं यहां पर रख सकता हूं क्या, बिल्कुल रख दो। तो x का मान रखने पर देखो, यहां पर हम लिख देते हैं x का मान रखने पर, देखो x का मान रखने पर, x का मान हमने ऑलरेडी निकाल रखा है बच्चों, कितना है 90 मीटर है, तो x का मान यहां पर मैं रखूंगा, ये हो जाएगा 90 धन का y लिखा जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 90 वर्गमूल 3। y का मान हमें निकालना, तो y को मैंने अपनी जगह पर रखा, 90 वर्गमूल 3 को भी मैंने अपनी जगह पर रखा, इस 90 को मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो ये ऋण का 90 में बदल जाएगा। बिल्कुल सर दोनों जगह से 90-90 कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल निकाल दो, y इज इक्वल टू 90 हो गया यहां पर कॉमन, तो यहां पर क्या बचा, अभी भी वर्गमूल 3 बचा हुआ है और यहां पर बचेगा ऋण 1, ऋण का 1 बचेगा, ऋण चिन्ह दिखाएगा और साथ में 1 भी बचेगा। वापस जब आप 90 का दोनों पदों के साथ गुणा करोगे तो यही मिलने वाला है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा, अतः ए से बी तक की दूरी क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी क्या, ये देखो 90 वर्गमूल 3 ऋण 1 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला। अब इस बात को हम लिखना चाहेंगे, अतः ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी, तक की दूरी, दूरी बराबर हमें क्या मिला हुआ है 90, फिर है वर्गमूल 3 ऋण 1 मीटर, ये है हमारा फाइनल आंसर। ये क्या बच्चों हमारा फाइनल आंसर, जो आपको 6 में से 6 अंक दे आने वाला, बिल्कुल 5 स्टार लगा के रखना, पूछा नहीं गया था लेकिन इस बार पूछे जाने के चांसेस बनते, बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेगा, पूछे जाने के चांसेस बनते हैं, 6 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं, 5 स्टार लगा के रखना इस प्रश्न को, कोई भी डाउट रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना। चलिए अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने अंतिम क्वेश्चन के, और ये हमारा इस अध्याय का, इस वीडियो का, इस यूनिट का सब तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला, देख लीजिए, देख लीजिए, आइए पढ़ते इस प्रश्न को, देखो चलो आओ देखो। तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन से जमीन को छूता है, यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है, पूरे पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना। यहां पर आपको एक चित्र भी दिख रहा होगा, यह पेड़ है जो कि टूटकर गिरा हुआ है। अब यहां पर प्रश्न में बोला क्या गया था, चलो इस बात को हम यहां पर समझना चाहेंगे। देखो ये पूरा पेड़ था, यह पूरा क्या था, पूरा पेड़ था, हवा का झोंका आया और यहां से जो पेड़ है वो टूटकर नीचे की ओर गिर चुका है। अब यहां पर ये बोला था कि ये जो पेड़ है, पेड़ का पाद बिंदु ये जो जमीन से लगा हुआ है, अब जो पेड़ का जो टूटकर गिरा हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी कहां तक गिरा हुआ है, यहां पर गिरा हुआ है, यहां तक गिरा हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें दे दी गई सर ये 6 मीटर। पाद बिंदु से गिरे हुए दूरी, देखो यहां पर बोला गया था ना कि झुककर पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, ये जब पेड़ जब टूटकर गिरा है तो कहां पर गिरा है, तो पाद बिंदु से 6 मीटर की दूरी पर जाकर ये पेड़ गिरा हुआ, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी क्लियर है। अब यहां पर क्या बोला था कि जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है, तो जमीन से मतलब कि उन्नयन कोण बनाता है, क्या कोण बनेगा आप, उन्नयन कोण बनने वाला, देखो जमीन से बनेगा तो यहां पर 60 अंश का कोण बनने वाला, बिल्कुल सर ये 60 अंश का कोण बनने वाला है, ये था हमारा पेड़, पूरा पेड़। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बच्चों पहले क्या था, ये पेड़ अच्छे से खड़ा रहा होगा, अच्छे से खड़ा रहा होगा ना, हवा का झोंका आया, ये टूटकर गिर चुका है, तो हमें हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब कि अगर ये पेड़ पूरा खड़ा रहता तो इसकी ऊंचाई क्या थी, इसको हमें ज्ञात करना है, मतलब कि मुझे इसको ज्ञात करना पड़ेगा और साथ में इस दूरी को भी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पेड़ जब खड़ा था तो ये सीधा ही रहा होगा ना, तो हमें इस दूरी को भी निकालना पड़ेगा और इस दूरी को भी निकालना पड़ेगा, बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर सर, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको बी लिया गया है, यहां पर इसको सी लिया गया है और यहां पर इसको लिया गया ए। अब आपको समकोण त्रिभुज अच्छे से दिख रहा होगा, एक ही समकोण त्रिभुज दिख रहा है, वहां से हम इसका काम तमाम कर देंगे, बिल्कुल देखो आ जाओ
सर अब इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे लिखेंगे पूरा पूरा नंबर मिले। बिल्कुल देखो इसको मैं आपको न्यू स्लाइड में बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर बनाओ लाइन, ठीक है बना दिया। अब देखो यहां पर लिखो हल, देखो चलो यहां पर मैंने लिखा हल। क्या क्या हमें यहां पर चित्र में दिख रहा है, तो चित्र में हमें यहां पर दिख रहा है सर कि यहां पर ये क्या बोलते हैं ए से लेकर बी तक की दूरी क्या है सर 6 मीटर है। ए से लेकर बी तक की दूरी 6 मीटर है, तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा चित्र में ए बी बराबर ए से लेकर बी तक की दूरी सर ये 6 मीटर हमें दिया गया। बिल्कुल 6 मीटर दिया गया। हमें निकालना क्या सर, हमें निकालना पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। तो हम यहां पर निकालेंगे पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखो पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो पहले हम बीसी का मान निकालेंगे, उसमें हम जोड़ देंगे एसी का मान। बीसी का मान निकाल लेंगे फिर हम उसमें जोड़ देंगे एसी का मान, क्योंकि ये पेड़ था वो सीधा रहा होगा, तो बीसी पहले निकाल लेंगे फिर टूटे वाले हिस्से को निकाल लेंगे, तो टोटल दूरी हमें पता चल जाएगी, उस पेड़ की लंबाई हमें पता चल जाएगी। तो हम यहां पर बीसी और ये एसी का मान निकालने वाले दोनों को जोड़ेंगे, तो यहां पर मैं लिखूंगा बीसी प्लस ये हो जाएगा एसी, बीसी प्लस ये हो चुका एसी। बिल्कुल यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। देखो यहां पर आपको एक ही समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, मैं इसी पर बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बीसी का मान निकालूंगा, किसका बच्चों, मैं बीसी का मान निकालूंगा, किसका मान निकालूंगा सर, बीसी का मान निकालूंगा। अभी सर बीसी क्या है, देखो यहां पर ये ए बी तो हुआ आपका आधार, क्या हुआ आधार हुआ सर। देखो मैं यहां पर इसको लिखना चाहूंगा, देखो ये जो ए बी है ना वो आपका आधार हुआ, बिल्कुल सर ये हमारा आधार हुआ। यहां पर ये समकोण त्रिभुज है तो कोण बी का मान आया 90 अंश, और कोण बी के सामने आने की 90 अंश के कोण के सामने वाला जो भुजा है ये सर हमारा कहलाता है कर्ण, क्या कहलाता है सर, कर्ण का मान कहलाता है। अब एक जो भुजा बच गया है ये आपका कहलाएगा 90 अंश। यहां पर 60 अंश का कोण बना है, 60 अंश के कोण के सामने वाली भुजा ये सर हमारा कहलाएगा लंब। तो हमें निकालना है बीसी का मान, मतलब कि लंब का मान निकालना है एक बार, दूसरे बार मुझे एसी का मान निकालना है, मतलब कि कर्ण का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं लंब का मान निकालना चाहूंगा, लंब का मान कैसे निकालूंगा, देखो तो हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात बनते हैं, लाल कका इसको लिखने का ट्रिक क्या होता है सर, लाल कका होता है। अब हम किसका यूज करेंगे, देखो सबसे पहले मैं बीसी का मान निकालने वाला हूं, लंब का मान निकालने वाला हूं, जबकि मुझे आधार का मान पता है, तो कौन सा अनुपात का यूज करेंगे सर, हम करेंगे तीसरे वाले का, मतलब कि टेन थीटा लंब बटा आधार, इसी बस में तो आया है ना लंब बटा आधार, तो हम टेन थीटा का यूज करने वाले हैं। कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, आ जाओ तो हम यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा। अब थीटा की जगह हम क्या रखेंगे सर, तो बनाया गया जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश, बिल्कुल चिपकाओ 60 अंश बराबर, क्या होता है लंब बटा आधार, लंब मतलब कि बीसी ये हो जाएगा बीसी बटे में, देखो आधार तो आपका 6 मीटर दिया गया है, ये 6 मीटर आपको दिया गया, देख लीजिए 6 मीटर आपको दिख रहा होगा यहां पर, ये 6 मीटर है, बिल्कुल 6 मीटर, ठीक है। तो यहां पर हम आधार की जगह क्या रखेंगे सर, 6 मीटर रखने वाले हैं, तो देखो ये हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। चलो सर टेन 60 अंश का मान तो ये होता है वर्गमूल 3, बिल्कुल होता है चिपका यहां पर, ये हो जाएगा बीसी बराबर 6, बीसी बराबर ये हो चुका सर 6। देखो अब यहां पर क्या करेंगे, तो वर्गमूल 3 के नीचे में कुछ नहीं, मतलब कि एक रहता है, एक का गुणा करेंगे हम बीसी के साथ, तो मुझे बीसी बराबर सर मिल चुका 6 का गुणा करेंगे वर्गमूल 3 के साथ, तो 6 वर्गमूल 3 हमें मिल चुका। चलो इसका यूनिट हम देंगे मीटर में, किसमें आएगा मीटर में आएगा, क्योंकि बाकी सब चीज का मान मीटर में दिया गया, तो इसका भी जो मान आएगा वो सर मीटर में आने वाला। बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है। लंब का मान हमने निकाल लिया, अब हमें एसी का मान निकालना, मतलब कि कर्ण का मान निकालना। अब यहां पर थोड़ी देर रुकना बच्चों, आपको थोड़ी देर रुकना है और सोचना है सर मैं यहां पर कौन सा अनुपात ले लूं कि मुझे कर्ण का मान निकल जाए। तो बच्चों अब हमें यहां पर एक ऐसा अनुपात ढूंढना है जहां पर आधार और ये कर्ण दो चीज हो, आधार हो और ये कर्ण हो, लंब ना हो तब भी चलेगा, लंब नहीं लेना है, आधार हो और ये कर्ण हो, दो चीज हमें देखना है, आधार और कर्ण, अब कौन से अनुपात में फिट बैठेगा। तो पहले नंबर में अनुपात बात करूं तो लंब बटा होता है कर्ण, ये लंब तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो पहले वाले अनुपात को मैं तो काम पर बिल्कुल नहीं लूंगा। दूसरे वाले अनुपात बात है जो कि कॉस करता है, इसमें दिया गया आधार और कर्ण, आधार दिया गया और कर्ण दिया गया, और मुझे यही तो चाहिए ना, यानी कि मैं दूसरे वाले अनुपात पर बात करने वाला हूं, आधार बटा कर्ण पर बात करने वाला, जो कि कॉस का बनता है। तीसरे वाले को भी हम काम पर नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर लंब बटा आधार है और लंब तो मुझे चाहिए ही नहीं ना, मैंने तो लंब का मान तो ऑलरेडी निकाल लिया, मुझे एसी का मान निकालना,
बच्चा कर्ण का मान निकालना है जबकि आधार का मान दिया गया, तो मैं दूसरे वाले अनुपात का उपयोग करूंगा जहां पर ये cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। बिल्कुल यहां तक की कहानी से अच्छे से क्लियर। अब जाओ तो पुनः हम बात करेंगे कौन से त्रिभुज पर, पुनः समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो हम यहां पर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज एबीसी में, चलो तो टेन थीटा, अब थीटा की जगह में पता है कि सर बनाया गया जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश का 60 अंश है बराबर। टेन थीटा में क्यों रख रहा हूं, भैया मुझे तो लेना कॉस का ना, दूसरा वाला अनुपात को लेना, तो टेन क्यों रखूंगा, दूसरा वाला रखूंगा कॉस 60 डिग्री, कॉस हो जाएगा कॉस थीटा यानी कि 60 डिग्री कॉस 60 अंश बराबर। समझ में आ रहा है कि टेन क्यों ले रहा हूं, टेन तो हमें ले ही नहीं सकते क्योंकि मुझे लंब का मान नहीं निकालना है, मुझे तो निकालना है कर्ण का मान। तो दूसरा वाला अनुपात जो कि कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान सर ये 6 मीटर है, बिल्कुल चुपकाओ, ये हो जाएगा 6। फिर बटा में क्या के फॉर कर्ण, कर्ण का मान सर ये है एसी, क्या है एसी, तो एसी देखो कॉस 60 अंश का सर मान तो होता है 1/2, बिल्कुल ये आपको याद होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 6, तो 6 आ जाएगा बटे में आ जाएगा एसी, एसी का गुणा करूंगा 1 के साथ तो ये हो जाएगा एसी बराबर, 6 का गुणा करूंगा मैं 2 के साथ तो ये हो जाएगा सर 12 मीटर। क्या हो चुका सर, 12 मीटर हो चुका। हमें निकालना था पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई का हम कैसे निकालेंगे, बीसी धन एसी करेंगे, बीसी का मान मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, एसी का मान मैंने अभी निकाला है, मतलब कि पेड़ की ऊंचाई हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगी। ठीक है चलो आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, देखो अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर बीसी का मान क्या सर, बीसी का मान हमने निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ था हमने 6, फिर ब्रैकेट में था वर्गमूल 3, ब्रैकेट में नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ब्रैकेट में नहीं लेंगे तब भी चलेगा, तो 6 वर्गमूल 3, फिर हम करेंगे इसमें धन किसका, एसी, एसी का मान हमने निकाला हुआ है 12, बिल्कुल सर मैंने यहां पर लिख दिया 12। सर मुझे दोनों जगह 6 कॉमन दिख रहा है, कैसे, 12 को मैं लिख सकता हूं 6 गुना 2, 12 को हम 6 गुना 2 लिख सकते हैं, तो यहां पर भी 6, यहां पर भी 6, दोनों जगह से मैंने 6 को निकाला कॉमन, वर्गमूल 3 अपने जगह पर लिखाएगा, धन भी अपने जगह पर लिखाएगा, 12 को हमने लिखा था 6 गुना 2, 6 को लिया मैंने कॉमन, तो यहां पर अभी भी 2 बचा हुआ है, ये हो जाएगा सर मीटर में, क्या मीटर में, ये है हमारा फाइनल आंसर जो आपको 6 में से 6 अंक दिलाने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैंने आज आपको बता दिया जो कि आपको 6 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं, 10 स्टार लगाकर रखना, 10 स्टार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ना वो यही क्वेश्चन है, 10 स्टार लगा के रखना। ठीक है तो इस तरह से आज के इस क्लास में हमने 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर लिया और आज जो हमारा ये क्लास है यहीं पर खत्म करूंगा, ये यूनिट भी आज यहीं पर खत्म होगा, ये अध्याय भी यहीं पर खत्म होगा। टोटल मैं आपको 6 क्वेश्चन बता चुका हूं जो कि 6 नंबर के लिए पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने नए यूनिट पर बात करेंगे जो हमारा अगला इकाई आता है, इकाई 5 पर बात करने वाले हैं, ज्यामिति पर बात करने वाले हैं। तो बच्चों अभी तक हमने 4 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम अपने नए अध्याय को, नए यूनिट को करने वाले हैं। बिल्कुल बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगता होगा लाइक करना, कमेंट करना है और दोस्तों तक शेयर करना, इसी तरह के और अगर वीडियो देखना है तो आप हमारे अभिप्सा ऐप को ज्वाइन कर इसी तरह के और वीडियो देख सकते हैं। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।